आज मैं बनाने जा रही हूँ आटे के बाजार जैसे लड्डू। तो कुछ सीक्रेट्स होते हैं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लड्डू बहुत ज्यादा टेस्टी बनेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 350 ग्राम बूरा लिया है और ये मैंने 500 ग्राम गेहूं का आटा लिया है। इसको छान लिया है अच्छे से, दोनों को ही आपको छान कर रखना है। और यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जैसे ये बादाम है, इसको मैंने चिप्स की तरह काट लिया है। ये पिस्ता है, ये भी छोटा छोटा कट किया है। ये चिरौंजी और ये खरबूजे की मींग और ये काजू, ये भी छोटा कट किया है। और ये है इलायची पाउडर, यहाँ मैंने ये देशी घी लिया है। और लड्डू आप हमेशा देशी घी में ही बनाएं। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है और यहाँ लगभग मैं 4 चम्मच देशी घी डाल दूंगी और उसमें मैं सारी ड्राई फ्रूट्स ऐड करूंगी और इनको हल्का सा शैलो फ्राई करना है। इसका कलर चेंज नहीं करना है ड्राई फ्रूट्स का, केवल शैलो फ्राई ही करना है इन्हें, ताकि ये थोड़ा क्रंचीनेस आ जाए इसमें। अच्छे से हम चलाते रहेंगे इसे। तो ये देखिए यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इनको एक बाउल में अलग से निकाल लूंगी और इसी कढ़ाई में मैं आटा ऐड कर दूंगी। इसमें आप भूल कर भी देशी घी ऐड ना करें, क्योंकि जब हम देशी घी ऐड कर देते हैं तो ये भूनने में दिक्कत करता है। और एक सबसे बड़ा सीक्रेट इसका ये है कि आप आटे को बिल्कुल लो फ्लेम पर ही भूने। टाइम लगेगा लेकिन बहुत अच्छा भुनता है आटा। अगर आप हाई फ्लेम करेंगे तो क्या है, आटा जल्दी तो भुन जाएगा लेकिन खाने में टेस्ट बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो आटे को आप बिल्कुल लो फ्लेम पर ही भूने, लगातार चलाते रहें। अगर आटा कच्चा रह जाता है तो ये मुंह में चिपकता है और खाने में भी टेस्ट बेकार हो जाता है लड्डू का। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर ही आटे को भुना है। इसकी महक पूरे घर में मतलब आ रही है। तो मेरा आटा भुन चुका है यहाँ पे। अब यहाँ मैंने जो एक कटोरी देशी घी लिया था वो मैं ऐड कर दूंगी और अच्छे से मैं इसको मिलाऊंगी। गैस को अभी आप बंद नहीं करना है, इसको अच्छे से गर्म करना है। इस घी को भी लगातार चलाते रहना है लो फ्लेम पर बिल्कुल। तो ये देखिए आटा अच्छे से भुन चुका है। अब मैंने इसको दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। इसको आप इतना ठंडा रखें कि बस आपके हाथ ना जले और जो बूरा लिया था हमने वो इसमें ऐड कर देना है। इसको ज्यादा ठंडा नहीं करना है, आटे को इतना ठंडा करना है कि हाथ ना जले और बाकी की जो ड्राई फ्रूट्स थी वो भी सारी ऐड कर देनी है। अब इसमें हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे सभी चीज को, लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए जब हम लगातार इसको चलाएंगे तो ये देखिए इसका अभी तो लग रहा है कि ये सूखा सूखा है, लेकिन ये देखिए मुट्ठी बांधने पर क्या है, ये लड्डू का लड्डू शेप ले लेगा। तो अब ये मैं आपको लड्डू बनाना सिखाती हूँ। आप थोड़ा सा इसमें ऐसे हाथ में लें और हथेलियों से ऐसे रगड़ते रहें, इससे क्या है लड्डू बहुत ज्यादा अच्छा बनता है और अंदर से टाइट भी बनेगा ताकि वो टूटे नहीं। आप इसमें देशी घी ज्यादा ऐड ना करें, वरना क्या होता है कि लड्डू बनाने के बाद जब आप स्टोर करके रखेंगे उन्हें तो लड्डू की शेप बिल्कुल बिगड़ जाती है। इसीलिए आप देशी घी इतना ही रखें कि बस आपके लड्डू बन जाएं। तो ये देखिए अब थोड़ा सा मैंने ऐसे हाथ में लड्डू का ये लिया है और ऐसे हल्के हल्के हाथों से हम इसे दबाते जाएंगे। थोड़ा प्रेस भी करना पड़े तो भी चल जाता है, क्योंकि इसमें हमने घी कम डाला है, इसीलिए थोड़ा सा टाइट हाथों से आप इसको बनाएं और बनाने के बाद ऐसे राउंड राउंड करके घुमाए हथेली पर। ऐसे करके आप घुमाएंगे तो क्या है लड्डू की शेप बिल्कुल अच्छी आएगी, गोल आएगी और चिकनी आएगी। ये देखिए लड्डू कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। तो इसी तरीके से मैं बाकी के सभी लड्डू बना लूंगी। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।